हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबके मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हस्तपुष्ट होंगे और आज का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। कल जिसने किया उन्होंने अच्छे से किया होगा सेलिब्रेट। आज जो जन्माष्टमी मनाएंगे वो आज अच्छे से सेलिब्रेट करें, यही दिल से आशा है। मेरा आज नहाना सब हो गया है क्योंकि पूजा करना था। तो पहले हमने मेरा पूजा हो गया, अभी जन्माष्टमी का झूला का तैयारी करेंगे। अभी थोड़ा बहुत चालू किया है डेकोरेशन, आपको दिखाते हैं क्या किया है। ये मंदिर में अभी थोड़ा सा डेकोरेशन किया है, मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। ये अपने टीवी के यूनिट के पास अभी डेकोरेशन करना चालू करेंगे। ये फूल है, माला है, ये तोरण है। देखिए मेरा बेटा तोरण बांध रहा है दरवाजे पे। अभी धीरे धीरे क्योंकि 12 बजे एक बार लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, तो दिन के 12 बजे, तो उस समय उससे पहले डेकोरेशन कर लेंगे। अभी लड्डू गोपाल को बैठाया नहीं है झूले में, आपको दिखाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। सब दरवाजे पे तोरण लग गया, अभी धीरे धीरे सब सजावट चालू होगा हमारा। देखिए हम आज अभी आटे की पंजरी बनाने जा रहे हैं, घी में इसको फ्राई करेंगे धीमा धीमा आंच में, सुनहरा लाल हो जाएगा। उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके पंजरी का भोग बनेगा। एकदम सिंपल है, आप सबके घर घर में बनता ही होगा। एक तो धनिया का बनेगा, धनिया का पंजरी, और एक आटे का पंजरी। चलिए हम बना रहे हैं। देखिए घी गरम हो गया, हमने यहाँ पे एक कटोरी आटा लिया है, इसको सिम आंच पे धीमा धीमा सुनहरा लाल होने तक सेकेंगे। घी का कमी लगेगा तो बाद में और घी डालेंगे। हमने तो नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है अभी का। अभी ये पंजरी का काम हो रहा है, ये पंजरी बना के निकाल देंगे। उसके बाद फिर चूल्हे पे दाल चावल जो नमक वाला आइटम है फिर वो बनाएंगे। अभी पोछा हुआ है चूल्हा तो इसीलिए पहले हम पंजरी बना के निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर खाना का तैयारी करेंगे। क्योंकि आज सबका छुट्टी है, हम लोग ने कोई व्रत नहीं रखा है। हम लोग ने सोचा था कि इस साल व्रत करेंगे, लेकिन अधिक मास और जो मल मास लग गया ना, तो उसमें कोई भी नया फास्ट और ये पूजा नया नहीं शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ पूजा कर रहे हैं, हर साल करते हैं, तो इस साल भी पूजा ही कर रहे हैं, व्रत कोई नहीं रखा है। वैसे मेरे हस्बैंड का मन था, लेकिन मलमास की वजह से हम लोग ने, क्योंकि काफ़ी पहले वो करते थे तो फिर वो छूट गया, या जॉब वॉब में होता नहीं है, भूखे प्यासे रहना, बाहर का काम ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से रह गया। तो इन्होंने सोचा था इस बार करेंगे, लेकिन मना कर दिया सबने कि ऐसा ऐसा है, अगले साल से उठाना वापस। चलिए हम अपना काम करते हैं। इस घर में जब हम पहली बार किए थे ना, मतलब ये पिछले साल के पिछले साल से हमने झूला रखा है, तो यहाँ पे रखा था, यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे हस्बैंड ने, बेटे ने डेकोरेशन कर दिया था। तो जो भजन मंडली वाली लेडीज लोग को बुलाते थे तो आरती के टाइम में ना जगह नहीं होता था यहाँ पे सबका इकट्ठा होने का। 15-20 लेडीज होती हैं भजन मंडली में, तो उन लोग को बुलाते हैं तो बेचारी आरती करने में उन लोग को ये होता था, सब एक साथ इकट्ठी नहीं हो पाती थी। तो इसलिए इस बार हमने सोचा कि बाहर रखते हैं। नहीं तो हमको था कि ये वाले पलंग में, जो ये पलंग है, ये सत्य साई बाबा के नाम से ही ये पलंग बनाया है, तो इसमें हम इस बार सोचे थे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, वहीं पे करेंगे नीचे ही, तो हम बोले नहीं, स्पेस नहीं होगा। तो फिर इस हिसाब से हमने ये हॉल रूम में, यहाँ पे पहले मेरे को यहाँ पे करना था ये वॉल के पास, तो मेरे हस्बैंड ने बोला पूर्व पश्चिम का ये होगा, तो तुम यहाँ पे यूनिट पे रखो, पूर्व पश्चिम का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने, ये और मेरे बेटे ने मिल के पूरा सफाई किया वापस से, कल रात को दिखाया था हमने व्लॉग में। अब बस डेकोरेशन करेंगे और फिर इनका स्थापना करेंगे।
छठी वाले दिन भजन मंडली को बुलाएंगे, तिथि अनुसार उस दिन मेरा बर्थडे है, और आज जन्माष्टमी के अनुसार दीदी मेरी तिथि अनुसार जन्माष्टमी के दिन मेरी दीदी का बर्थडे है, तो मेरे से एक साल ही बड़ी है, उसका आज बर्थडे है और मेरा छठी को रहेगा, तो इस हिसाब से हम तिथि अनुसार भी बर्थडे मना लेते हैं, एक दूसरे को विश कर देते हैं, और मेरे जो चाचा हैं वो तिथि अनुसार ही हम लोग को विश करते हैं, डेट वाइज वो भूल जाते हैं कि हम लोग का अगस्त में डेट वाइज रहता है, बट वो हम जन्माष्टमी और छठी के हिसाब से ही हम लोग को याद करते हैं। मेरा पंजीरी बन गया है, उसको थोड़ा ठंडा होने दे रहे हैं, उसके बाद फिर चीनी को पीस के उसमें डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद, नहीं तो क्या है फिर वो गिठान गिठान बन जाएगा, और शाम को जब भोग लगेगा, और अभी भोग लगेगा तो थोड़ा अभी शायद पंजीरी का भोग लगेगा, और फिर शाम को रात को भोग लगेगा। चलिए हवा के नीचे बैठ लिए, बहुत गर्मी था, पसीना पसीना हो गया था किचन में, तो अभी हम जा रहे हैं दाल चावल बनाने, पंजीरी के लिए चीनी पीसने, फिर दाल चावल चढ़ाएंगे, सब्जी में देखते हैं क्या है वो लेके फटाफट बना देंगे, उसके बाद फिर शाम का तैयारी करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेटा ही डेकोरेशन करेंगे अच्छे से अपने हिसाब से, बगल वाली जो दादी है वो खिलौने का मतलब सजाने के लिए बहुत छोटा छोटा खिलौना है उनके पास, वो लेके आएंगी तो वो रखेंगे, आपको हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे। चलिए हम जाएँ आगे का काम निपटाएँ, फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाने का भी टाइम हो जाएगा, बाल गोपाल को बोलते हैं ना, बाल गोपाल को पहले भोग लगाएंगे उसके बाद फिर शाम को लड्डू गोपाल, सेम ही हुआ। चलिए देखिए पंजीरी ठंडा हो गया मेरा, अभी हमने चीनी पीस लिया है, ये पूरा इसमें डाल देंगे, इससे क्या होता है वो लम्स नहीं पड़ते हैं, गरम गरम में डाल देंगे ना तो गरम रहता है और चीनी फिर पिघल जाता है तो लम्स पड़ जाते हैं, ठंडा करके डालेंगे ना तो इसमें लम्स नहीं पड़ते और अच्छे से एक सार हो जाता है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और पूजा वाले मंदिर में रख देंगे, बाद में इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। पंजीरी रेडी, रुकिए हम पकड़ते हैं, एक सेकंड यहां पे दो प्लग क्यों है, प्लग क्यों है, ये लगा रहे हैं नीचे से बांधेंगे ना, ये यहाँ पे केला का क्या बोलते हैं इसको, केला का थंब लग गया, अब यहाँ बंधेगा टीवी के यूनिट में, मेरा टीवी केला का पत्ते से सज रहा है। हम दादी के घर आ गए हैं लड्डू गोपाल जी को 6 दिन के लिए अपने घर में विराजने के लिए, दादी के यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर है, मेरा बेटा यहाँ भी डेकोरेशन कर रहा है, फूल माला चढ़ा दिया है, ये दादी का छोटा सा मंदिर है, इसमें से है लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं छुपे हुए, किधर है, अच्छा सॉरी लड्डू गोपाल जी इधर विराजे हैं, आज अपने मंदिर से निकल के बाहर आ गए हैं, अब हम लोग बजाते गाजते ले जाएंगे इनको, ये सब फूल तुलसी हुआ, हाँ विश्व सहस्त्र नाम के साथ, फिर से बोलिए, ये तुलसी आज चढ़ाएंगे, ये श्याम तुलसी है और ये मोजर के साथ चढ़ाएंगे, और इतनी सारी तुलसियों का ये गुलाब से हम लोग डेकोरेशन करेंगे, और ये लड्डू गोपाल जी को हम लोग दादी के घर से अपने घर में विराजमान करने के लिए ले जा रहे हैं। चलिए आंटी घंटी दीजिए, हाँ चलिए नमः, दिवस माते लड्डू गोपाल की जय, जैसा कि हमने बोला था कि छठी के दिन हम लोग भजन कीर्तन रखेंगे, तो बगल वाली जो दादी हैं वो छठी के दिन नहीं आज ही भजन का प्रोग्राम रख दी हैं, तो बोली कि आज के दिन ही हमारे यहाँ भजन होता है, तो हम चलिए कोई नहीं हम लोग छठी के दिन नहीं रख के आज जन्माष्टमी के दिन ही भजन कीर्तन रखेंगे, तो 4 बजे से भजन मंडली की
लेडीज आ जाएंगी और हम लोग फिर भजन में शामिल होंगे। तब तक अपना डेकोरेशन चालू होगा। लड्डू गोपाल को दादी के घर से हम लोग ले आए हैं 6 दिन के लिए उधार में, क्यों फिर मौसा आए हैं, मतलब मौसा के यहाँ कि मामा के यहाँ, जहाँ भी आए हैं मामा नहीं घर आएगा, मैंने अपने मामा के घर में घूमने आए हैं 6 दिन के लिए, तो आज इनका हमारे घर में स्वागत है। परवल आलू की भुजिया रेडी, देखो पक गया। यहाँ पे दाल बना दिए हैं, बस उसको तड़का लगाना है। और यहाँ पे इसी दाल के कुकर में जीरा राइस बना दिया, जीरा राइस भी रेडी। सिंपल खाना आज का रेडी। साथ ही साथ मेरा यहाँ कपड़ा सुखाना भी हो गया, आज का ये टास्क भी कंप्लीट। देखो अभी लाइटिंग का काम हो गया है, टेबल साइड कर दिया है। यहाँ पे हम लोग प्रसाद रखेंगे क्योंकि तुलसी चढ़ाएंगे ना आज, क्या बोलते हैं उसको, तुलसी अभिषेक, तुलसी जी से अभिषेक करेंगे, रात को करेंगे हम लोग। ये लड्डू गोपाल अभी अपने आसन में बैठे हैं, जब इन पे अभिषेक करेंगे, इनसे नहला धुला के अभिषेक करेंगे ना चरणामृत से, फिर तुलसी जी चढ़ाएंगे इनके ऊपर विष्णु सहस्त्रनाम बोल के, उसके बाद इनको पालने में रखेंगे। ये तो हमारा रात का काम है। 4 बजे से भजन मंडली की लेडीज आ जाएंगी। देखिए हमारा डेकोरेशन कंप्लीट। अब 4 बजे भजन मंडली की लेडीज आएंगी, भजन होगा। अभी कान्हा जी को यहीं रखे हैं, बाद में उसमें चढ़ाएंगे, फिर शाम को फिर नीचे उतार के स्नान वगैरह करा के फिर उनको पूजा करके ऊपर पालने में बैठाएंगे। ये देखिए ये दादी के घर का डेकोरेशन, ये हमारे घर के बाहर का, फिर अंदर एंट्रेंस होते ही ये है टीवी का यूनिट, जिसको हम लोगों ने ऐसे सजाया है। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, सिंपल और सोबर सजावट कान्हा जी का। अभी झूले पे विराजमान होने वाले हैं, 4 बजे विराजमान करेंगे, फिर रात को फिर उनका स्नान दान करवाएंगे, तब उनका तुलसी पात्र चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। देखिए हम रेडी हो गए हैं, भजन मंडली की लेडीज़ आने वाली हैं, धीरे धीरे एक एक करके आ ही रही हैं, आपको दिखाएंगे। जब वो लोग भजन करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो डाल देंगे और आपको दिखाएंगे कितने लोग आए हैं। आज शायद ज़्यादा नहीं आएंगी, 10 से 11-12 जितने ही लोग आएंगे, आंटी बता रही थी। चलिए कोई नहीं, आज हो या छठी को हो भजन कीर्तन, चलिए आपको दिखाएंगे। Oh,
लो। आंटी आरती ली बीच का दबाओ ना। हाँ बीच का भजन बहुत अच्छे से हुआ और अभी अभी लेडीज़ गई तो अभी हमने जस्ट चेंज किया क्योंकि फिर वही ड्रेस हम शाम को नहा के वही पहन लेंगे, जूठा नहीं किया है। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है, भगवान ने कितना अच्छा मौसम कर दिया। इतना बारिश हुआ है जब हमारे यहाँ भजन कीर्तन चल रहा था। देखिए मौसम एकदम ठंडा हो गया है, खूब तेज़ बारिश बरस के गया है, अभी रिमझिम बरस ही रहा है और ठंडा हवा चल रहा है। जितनी देर भजन हुआ कीर्तन हुआ हमारे यहाँ उतनी देर में खूब बरसा है, एकदम ठंडा वातावरण हो गया। अंदर गर्मी लग रहा है बाहर ठंडा है। यहाँ पे ना मटकी फोड़ने वाले भी बहुत आए हैं और अभी आएंगे तब अगर हम नीचे गए तो हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। बंदर आई हो। भाई दिन में मजा आया ट्रेन में जो चाय वाला होता है चाय 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 गर्मा गर्म सीरो मकई नो सीरो चलता रहे गर्मा गर्म सीरो। लड्डू गोपाल जी का भी स्नान होगा, उनके वस्त्र आभूषण अभी उतारे जा रहे हैं, चरणामृत से स्नान कराया जा रहा है।
पीछे गाना बज रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप पूजा पर ध्यान दीजिएगा। भजन रूप नहीं गाना ना, गुजराती बजा रहे। जमुना जल मा केसर जोर, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, देखिए। दादी बोलो लगाओ ना, केसर जल से स्नान करा, जमुना जल मा केसर जोर स्नान करा रहे हैं। वो बोलोगे तो आ जाएगा। स्नान हो रहा है जल से, जमुना जल मा केसर जोर स्नान करा। लड्डू गोपाल का शाही स्नान, वो कपड़े पहनाते हुए राम के चक्र में हलवान केसर धोरी। अरे बात चलिए, अपने आसन में बैठिए, कान्हा जी मदद लेते हुए एक दूसरे का। मुकुट पहना दीजिए। अशोक स्तर नस्तार शूर शौरी जनेश्वर अनुकूल शतावत पद्मी पद्मनि भीक्षण गर्भ कुर्म गर्भी सद सक्षर वक्षर अभिज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृत लक्षण गभस्किनी सत्वस्त सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देव वृद्गुरु उत्तलोकोपतिर्गोक्ता ज्ञान गम्य पुरातन शरीर भूत Thank you.